घर देगा तब ना हम लोग के नाथी होगा, नहीं देगा तो कहाँ से लाएगा। में इतना कर्जा कार के सूद ब्याज लगा के पैसा लगाए हुए हैं। पैसे क्या होता है जब सब करता है, आज आदमी आने वाला था। अभी तक वहाँ पर ऐसा घटिया काम किया और वहाँ पर पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। जन समस्याओं को जानेंगे तब तो उसका समाधान निकालेंगे। जन समस्याओं को देख रहे हैं, सब जगह लोगों से मिल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के नव निर्वाचित महापौर राकेश कुमार उर्फ पिंटू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी नगर कर्मियों के साथ बीते कई दिनों से नगर कर्मी के अलग अलग वार्डों के विभिन्न गली मोहल्लों में जाकर लोगों से समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही उसे निदान करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। इसमें पानी नहीं जा रहा तो हम नहीं लगा, पानी निकले का जगह ना है। कितना दिन से समस्या है? कितना दिन से पानी की समस्या हो गया? कितने साल से पानी नहीं मिला है हम लोग, यहाँ से भर के ले जाते हैं पानी। घरे नल नहीं लगवाए? नहीं, सरकार देगा तब ना हम लोग के नाती होगा, नहीं देगा तो कहाँ से लाएगा। पाइपलाइन आया हुआ है ना गली में? कहाँ देखिए, कम मिला था पैसा आपको? 2 साल पहले मिला था, अभी तक इंदिरा आवास अभी तक नहीं मिला है। कितना मिला था? हम इतना कर्जा कार के सूद ब्याज लगा के पैसा लगाए हुए हैं, पूरा मटेरियल हमारा मतलब फंस रहा है। इंदिरा 10% पर हम दूसरे से रुपया लिए हुए हैं, बताइए। आवास कब पास हुआ था? ठेकेदार जो है अलग आधा पेमेंट दे चुके हैं, वो कहता है फुल पेमेंट हमको दीजिए तो हाथ लगाएंगे, बताइए। आवास कब पास हुआ था? 2 साल हो गया सर। अब तक बना नहीं है? अभी तक बना नहीं है। क्या किस्त मिला? एक किस्त मिला हुआ है हम, एक किस्त कितना मिला? एक किस्त 50,000 रुपया मिला, 50,000 में वही सब रही छिया करके मिला। पार्षद से भेंट किए दोबारा? पार्षद से मिले हैं तो वो कहता है रुपया आएगा तो हम देंगे। पार्षद आता है कि नहीं? हमको कि हमको जीतने का शौक था, जीत गए, आपको कोई मतलब नहीं है। हमको कौन कहता है? विकास उकास ना कर रहा है, पानी पर ध्यान नहीं दे रहा है। पैसे क्या होता है जब सब करता है, आज आदमी आने वाला था सभी इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह वार्ड 39 के सभी गलियों का निरीक्षण किया तथा सभी गलियों के लगभग वार्डवासियों ने अपनी समस्याओं का अंबार मेयर और विधायकों के समक्ष रखा तो मेयर ने कर्मचारियों को जमकर डांट फटकार लगाया और कहा आगे से ऐसा नहीं दिखना चाहिए अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मेयर और विधायक के पहुंचने की सूचना मिलते ही निगम के कर्मचारी एवं वार्ड के जमादार गली मोहल्ले की साफ सफाई कराने में पहले ही जुट जाते हैं। इस बहाने वार्ड के नालों एवं सड़कों की सफाई बेहतर ढंग से हो जा रहा है। वहीं विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम लोग वार्ड की गली गली घूम रहे हैं, जो भी समस्याएँ हैं सभी लोगों से मिलकर उनकी समस्याएँ सुनकर उसे निदान करने का काम किया जाएगा। जब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट दिखना चाहिए, इसलिए साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से होना चाहिए। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि कहां कहां साफ सफाई सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। आज वार्ड 39 में सफाई सब देख रहे हैं, यहां पर जगह जगह नाला जाम है, जिसमें आज तो स्थानीय ये नहीं थे जमदार जो है वो नहीं है, जिनके कारण समस्या आ रही है, क्योंकि उनको समझाने में नहीं बन रहा है तो हमने अंचल इंस्पेक्टर को बुलाया है, उनको समझा दिया कि जहाँ जहाँ नाला जाम है इमीडिएट वो नाला साफ होना चाहिए और जहाँ कलवर्ट बिल्कुल चौक किया हुआ है उसको किसी भी हाल में सफाई करके सुचारू रूप से उसको चालू करवाइए कि जिससे पानी का निकासी हो सके। और भी कई सारी समस्या है? और तो काफ़ी समस्या, समस्याएं कमी नहीं है वार्ड में। जैसे रोड नहीं है, कहीं रोड नीचा ये हो गया, पाइपलाइन फूटा हुआ है। एक यहाँ पर सबमर्सिबल है जो करीब स्थानीय लोग बता रहे थे कि 15-20 रोड से ऊपर हो गया उसका, मैंने वहाँ पर पानी वो संवेदक को हमने कॉल करवाया है, उनके नगर आयुक्त को बोले हैं कि जल्द से उनको बुला करके चिन्हित कीजिए कौन संवेदक है जिसने अभी तक वहाँ पर ऐसा घटिया काम किया और वहाँ पर पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। उस संवेदक को बोलिए कि मैंने वो इस सब आदेश दिए हैं। महापौर राकेश कुमार उर्फ पिंटू ने कहा कि वार्डवासियों को सबसे अधिक सफाई और पेयजल की समस्या है, सड़कों की भी समस्या है, सभी समस्याओं को नोट कर लिया गया है जिसे जल्द ही निदान कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कर्मचारियों की चेतावनी भी दे दी गई है। वहीं इस निरीक्षण क्रम के दौरान मौजूद रहे सिटी मैनेजर, निगम के सफाई कर्मचारी समेत निगम कई कर्मचारी, मेयर पीए शंभू, विधायक के निजी पीए रामनारायण, विकास झा, पूर्व पार्षद समाज सेवी संजय रजक, अमरनाथ एवं अन्य लोग मौजूद थे। इस ठंड में लोग
सो रहे हैं, हम लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। नए मेयर साहब इंटर भी बने हैं, तब से ये अभियान चालू हो गया है हर वार्ड में। तो जन समस्याओं को जानेंगे तब तो उसका समाधान निकालेंगे। तो जन समस्याओं को देख रहे हैं, सब जगह लोगों से मिल रहे हैं, गरीब गुरबा सब सभी, किसी को भी छाटा नहीं गया है, पक्ष है विपक्ष है, सबकी बातें सुन करके सारा समस्या का नोट किया जा रहा है और धीरे धीरे सब वार्ड काम प्रारंभ किया जा रहा है। हमारा है कि मुजफ्फरपुर शहर साफ सुथरा रहे, स्मार्ट सिटी बना के स्मार्ट दिखे भी, तो इसके लिए जो भी कार्रवाई होगा करना चाहिए इन लोगों को। और मेयर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं सब समस्या को, छोटा छोटा जो प्रॉब्लम है उसको जैसे ही हम लोग घूम रहे हैं समस्या आ रही है उसको नोट किया जा रहा है और फिर नगर आयुक्त के साथ बैठ करके उन समस्याओं का समाधान जो आदेश करना है वो आदेश किया जाएगा और निश्चित तौर पर सुधार होगा, मेरा विश्वास है। मुजफ्फरपुर से मुसाइद रजा की रिपोर्ट। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।